हेलो एंड वेलकम। मैं उषा गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय किचन माय डिश। आज मैं अपने चैनल में लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चिकन अकबरी ग्रेवी। बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी है। बिल्कुल आप ये ग्रेवी जब घर में बनाकर खाएंगे तो रेस्टोरेंट को भूल जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी और बहुत ही जानलेवा टेस्ट। तो देख लेते हैं रेसिपी। ये देख लीजिए, मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन और नमक और काली मिर्च लिया है। बस इसे नमक और काली मिर्च से मुझे मैरिनेट करना है। तो मैंने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया और 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, ताज़ी कुटी हुई ली है। और इसे इस चिकन के ऊपर अच्छी तरीके से रब कर देंगे। इसमें हमें खट्टे में सिर्फ दही यूज़ करना है, इसलिए हमने मैरिनेशन में नींबू नहीं यूज़ किया है। तो ये पूरा नमक और काली मिर्च चिकन के ऊपर लग गई है, इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब जब तक वो 10 मिनट के लिए मैरिनेट हो रहा है, तब तक इसमें बाकी के मसाले देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए, दही है 1.5 कप, फेटी हुई दही है, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून और ये 3 टमाटरों का पेस्ट है। बिल्कुल मिक्सी में पीस कर पेस्ट कर दिया है। और ये एक काजू का पेस्ट है, मैंने 25-30 काजू लेकर उन्हें पानी डालकर पीस लिया है मिक्सी में। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और ये 3 प्याज हैं, इन्हें बारीक काट लिया है। तो चलते हैं पकाने की तरफ, तब तक देख लेते हैं ये मिक्सी जिसमें मैंने काजू का पेस्ट बनाया है। तो इस काजू के पेस्ट को भी वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और यही पानी पकाने में यूज़ करेंगे। तो कढ़ाई मैंने ले ली और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1/4 कप तेल और उसके अंदर डाल दी ये प्याज, बारीक कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज है। आप चाहे तो क्रशर से काट लें और इसे हल्का गुलाबी होने तक तलेंगे। ये देखिए, इसे तलने में मुझे 5 मिनट लगे हैं और ये हल्का गुलाबी हो गया। अब इसके अंदर डाल दिया हमने लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर 2 मिनट लहसुन अदरक पेस्ट को भूनने के बाद इसके अंदर वो मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस को डाल देंगे। 1 बाय 1 इसके अंदर डाल दिया हमने और इन चिकन के पीसेस को तब तक तलेंगे इस प्याज और लहसुन के साथ में, जब तक इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ जाएं। ये देखिए, चिकन के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देने लगे और चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया। अब इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने हल्दी डाल दी, मिर्ची डाल दी और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, साथ ही यहाँ पर अभी हम ऐड कर देंगे वो गरम मसाला पाउडर भी जो हमने आपको पहले मसालों में शो किया है। भूनना स्टार्ट कर दिया है इसे। अब ये गरम मसाला पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर दिया और अब इसे भूनते जाएंगे। 4-5 मिनट तक इसे भूनेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसे ढक कर पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक। अच्छी तरीके से मसाला भून चुका है, ढककर पकाया 5 मिनट तक और इसके अंदर वो टमाटर की प्यूरी डाल दी। अब प्यूरी के साथ में भी इस मसाले को भूनेंगे अच्छी तरीके से, फिर से ढक देंगे और 2-3 मिनट तक पकने देंगे। 3 मिनट कंप्लीट हो गए और प्यूरी के साथ में भी ये मसाला अच्छे से पक गया है। सारे मसालों का अरोमा अच्छी तरीके से निखर के आने लगा है। थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे कि नीचे ना मसाला नीचे लगे नहीं। बड़ी खूबसूरती से पक रहा है और पीसेस एकदम गल जाने वाले हैं। 3-4 मिनट तक इसे और भूना है और अब ये मसाला भी भून चुका है और चिकन भी गल चुकी है। इसके अंदर अब ये काजू का पेस्ट मैंने डाल दिया, दही डाल दी और ये काजू और दही को भी
डाल दिया हमने, पूरी दही डाल दी और काजू के पेस्ट को वॉश करके वो पानी भी इसके अंदर ऐड कर दिया, और जो थोड़ा बहुत पानी और बचा हुआ है वो भी डाल देंगे इसके अंदर, तो ये उसी उसके अंदर पकेगा। अब ये तैयार हो चुकी है रेसिपी, और इसे बस सिर्फ 2-3 मिनट तक और पकाना है। तो ये मिक्सी को भी वॉश करके वो भी डाल दिया इसके अंदर, और सब कुछ भी सामान वेस्ट नहीं किया है, दही काजू का पेस्ट टोमेटो प्यूरी सब थिक एकदम थिक सा मसाला आ जाने वाला है। और साथ में मैंने कुछ फ्लेवर के लिए हरी मिर्चियाँ खड़ी खड़ी डाल दी हैं। थोड़ा सा इसके अंदर कसूरी मेथी हम ऐड करेंगे, अगर वो टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको कसूरी मेथी का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप ना डालें, हमें बहुत पसंद है तो हमने इसे ऐड कर दिया है। और अब फिर से चलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और थोड़ी देर पकाएंगे। उसमें क्या है, मसालों का पूरा अरोमा जो है चिकन के अंदर और पूरा ऑब्जर्व हो जाने वाला है। ढककर 2-3 मिनट तक पकाया और बिल्कुल तैयार है, अब इसे सर्व करेंगे। तो एकदम थिक सी ग्रेवी, बहुत जबरदस्त अरोमा और बहुत जबरदस्त टेस्ट। हम इसे सर्व करने जा रहे हैं पुलाव और चपाती के साथ में। आप चाहे जिस तरीके से इसे सर्व कर सकते हैं, नान के साथ, पुलाव के साथ, चपातियों के साथ, पाव के साथ, बहुत ही जबरदस्त ग्रेवी है। नाश्ते में, डिनर में, लंच में, चाहे जब आप खाएं, जैसे आपका दिल हो वैसे खाएं। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।